दुर्ग के राजीव नगर में बिजली कनेक्शन किए जाने के मामूली विवाद के चलते रोहित साहू पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर आरोपी बबलू सोनकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल रोहित साहू को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान रोहित साहू की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बबलू सोनकर की तलाश सरगर्मी से प्रारंभ कर दी। दुर्ग के वार्ड 4 सिन्हा डेयरी के पास राजीव नगर निवासी बबलू सोनकर द्वारा अपने पड़ोसी रोहित साहू के घर से विद्युत कनेक्शन बिना पूछे जोड़ दिए जाने को लेकर हुए मामूली विवाद के कारण आरोपी बबलू सोनकर द्वारा रोहित साहू पर लगातार चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गया, जिसको मौके पर मौजूद वार्ड के पासा संतोष यादव, राकेश यादव द्वारा, संग्राम यादव द्वारा बीच बचाव कर मोटरसाइकिल पर बैठाकर घायल रोहित साहू को जिला अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार रोहित साहू रोजी मजदूरी का काम करता था। उसके परिवार में 4 सदस्य हैं। इसके चलते बुधवार की रात करीब 10 बजे बिजली कनेक्शन को बिना पूछे अपने घर जोड़े जाने को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते बबलू सोनकर ने रोहित साहू पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां इलाज के दौरान रोहित साहू की मौत हो गई। इस संबंध में दुर्ग CSP जितेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कोतवाली थाना अंतर्गत राजीव नगर का मामला है, जिसमें एक मृतक है रोहित साहू, जिसको बबलू सोनकर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। ये घटना शाम रात की है 9 बजे, जिसमें इनमें छोटी सी बात पर विवाद हुआ था। उसके पश्चात पार्थिव को एडमिट कराया गया था और सुबह उसकी मृत्यु हुई। विवाद के कारण हुआ था, जिसमें बबलू चंद्राकर अवैध तरीके से रोहित साहू के घर से बिजली का कनेक्शन लिया था, जिसको लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था। इनके बीच में और कोई अन्य आरोपी? अभी हाल जो जांच हुई है, उसमें कोई और आरोपी नहीं है। इसमें आरोपी ने कुमार की उसकी हत्या की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।